मनाड़ विधानसभा सीट से आज स्थानीय विधायक उमेश कुशवाहा जदयू के टिकट पर नॉमिनेशन भरे। इस दौरान उनके प्रस्तावक के रूप में रघुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र सत्य प्रकाश भी मौजूद थे। उन्होंने उन्हें बधाई दी और अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि जीत आपकी सुनिश्चित है। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मनाड़ के विकास और बिहार के विकास की बात की, साथ ही नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए कहा और कहा कि चाहे कोई भी हो, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उनका भाषण सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन माननीय हमारे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री श्री नित्यानंद राय जी की सभा तक का आवाज हमें निकलना है। देश और दुनिया के विकास की बात करेगा, जात पात की बात नहीं करेगा और सम्मान की न्याय की बात करेगा। इसलिए आपसे हम हरबर प्रार्थना करने आए हैं। मुझे आगे के ही कार्यक्रम में जाना है, जिताने की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा। मैं कह रहा हूं सबसे रोज विकास नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहने वाले लोग भारत माता के सत्संग नरेंद्र मोदी जी में आस्था रखने वाले लोग सबकी जिम्मेवारी है। उमेश कुशवाहा जी की विजय, उमेश कुशवाहा जी की विजय, उमेश कुशवाहा जी की विजय। सबको हाथ जोड़कर बार बार इस विजय के लिए सहयोग प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। उमेश भाई को बताइए और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाइए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अपने जहां से मैंने शिक्षा ली थी हाई स्कूल की, उसी शिक्षा विद्यालय को प्रणाम किया हुआ हूँ, दुर्गा माता को प्रणाम किया हुआ हूँ। और पहले इस अभियान में शुरुआत महान के महान के धर्म से महान धर्म से कर रहा हूँ, इसका ख्याल सब रखिए, लाज रखिए। 3 तारीख को भाई भाई उमेश कुशवाहा जी को भाइयों बहनों सभी सभी लोगों से मेरी विनती है, हर आदमी खोजे किसी के बहकावे में मत आइए। कोई भी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं होती है। अगर जाति की पार्टी होती तो जाति की चिंता होती, उसमें परिवार की चिंता क्यों हो रही है। पंचलाल भैया बैठे इनसे बड़ा बड़ा कौन हो सकता है। वैशाली लोकतंत्र की धरती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने
आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है वैशाली की धरती पर एक भी सीट नहीं हारना, नीतीश कुमार जी को जीत का माला पहना कर फैसला करना है कि आप जब भी इस देश में अगर गरीबों का अन्नार पहुंचाया गया है, कोविड काल में जब प्रधानमंत्री जी ने बड़े भरोसे से जो मंत्रियों का समूह बना था कोविड की लड़ाई कि इसको हिम्मत है हिंदुस्तान से टकराने का, जो टकराएगा वह चकरा चूर और मुकुरी में मिल जाएगा। विकास के भगीरथ हमारे नरेंद्र मोदी जी और विकास से हमारे नीतीश कुमार जी विकास की गंगा बही है। सवाल करने वाले लोगों से मैं पूछता हूं कि आपने क्या किया है? सर नहीं बनाए, बिजली नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था चौपट कर दी, विधि व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, लुटेरों बंदों के हाथ में सत्ता नीचे स्तर पर उनके द्वारा संचालित होने लगा था। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बन रही ये लिए कि सरकार बन रही बिहार विकास के पथ पर चल रहा है, टूटना चाहिए गंगा के तट पर है। एक भी अगर आतंकवादी मारा जाता है और देश की सीमा के सुरक्षा के लिए जब आपका बेटा जब इस देश की सीमा पर जाकर सुबह से रात तक सीमा की सुरक्षा में लगे हुए अपने जवानों के साथ समय बिताकर उसकी समीक्षा करता है, निगरानी करता है, समय बिताता है और जब जवानों को संदेश देता है, भारत माता की जय के साथ यह संदेश देता है, उसका समर्पण और साहस जब छाल भरता है, जिसका गवाही आपका बेटा बनता है, इस पर आपको गर्व करना है। तो हम महिलाओं की धरती से गरीब भाई को बहनों की ओर से माताओं और बच्चों की ओर से अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने गरीबों के दर्द को समझा है और उसका समाधान किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझको भारत का गृह राज्य मंत्री बना दिया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला, राजनाथ जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। जब कोविड की बीमारी आई, चीन से फैला दुनिया में फैलने लगी, उस समय में भी प्रधानमंत्री जी के उठाए गए कदम को दुनिया ने सराहा। हिंदुस्तान है रास्ता ढूंढता है, हम तलवार से भी लड़ते हैं तो हाथ से भी लड़ते हैं, हथियार से भी हमारे देश की सेना सीमा की सुरक्षा करती है तो हाथ से भी सीमा की सुरक्षा करती है। हथियार चलाने की पाबंदी लगी थी दुनिया के समझौते के अनुसार तो हाथ को हथियार बनाकर चीन को छक्का छुड़ा दिया है। अभी अभी देश की सेना कर सकते हैं मेरा मैं आपको तो मना में रहिए, हम हरा के भेजेंगे, हम जीता के भेजे थे तो हरा एक को भाग भागा वहां भी हम हम अमरीबाग में उसको घर में कोई नहीं रहेगा, एमएलए बस एमएलए 22 में फूट जाएंगे, राबड़ी देवी को वो भी इतना एमएलए कम आवेगा कि पूरा एमएलसी नहीं बन पाएगी, एक अंक में जा रहा है आरजेडी क्या होगा जो घर चलाए हुआ मुझको चाहिए क्या है उसको आप लोग काला झंडा देकर काम करिएगा। वो कुछ नहीं है, वो ठगने का काम किया और हम लोग को बस में नाश करने का हम लोग कहीं ले लिए बस में बतला नहीं सकते हैं कि अच्छे परिवार से जुड़ कर कितना आंख में उसका पानी नहीं है कि अपना परिवार को छोड़ के वो चला समाज का बना देने के। तो ये कोई नहीं रोक सकता है तेजस्वी को हराने से, मैं 50,000 से उसको अगली बार हम हराने के काम करेंगे, ये मेरा दावा। मैं भी 25 साल से नागोपुर चले हैं, हमारे जो भोला बाबू भीष्मपितामह के रूप में उनका भी पता रिटायरमेंट हो गया, हमको पता तुमको क्या जल्दी है, तो उनका बेटा बेटी की क्या जल्दी है, वो 3 बजे इस परीक्षा को नहीं छोड़ते तो अगर पोता पति रहता तो वो लोग महानारे खोजने चल देते, कहीं महानारे में भी मौका मिल जाए पोता था, लेकिन संजोग ऐसा कि वो अपना घर नहीं बसा, आज जेल में है और जो आजादी के बाद
हमारा ज्यादा के मुख्यमंत्री दरोगा और उपराज्य के लड़की एमबीए है और एचएम थे हाई स्कूल के दरोगा रहा वो सीएम बने थे इंदिरा गांधी काल में वो परिवार को नाश करके आज वो भोपाल पार के नॉर्थ बिहार के जितने भी यादव है मैं 14 तक सांसद में था और उसे एक एक करके घर का सीखने का मौका मिलता था। वैसे व्यक्ति को अनादर करने वाले लोग को इस बार अभी परीक्षा के घर में है उसको इस तरह से जिस तरह से बूंद बूंद करके तालाब भरता है इसीलिए साथियों बूंद बूंद करके उनके लोगों हट रहे हैं इसीलिए तालाब खाली हो जाएगी। जो लोग लगता था एक लोटा पानी से कुछ नहीं होगा आने वाला समय में उसको एहसास होगा बूंद बूंद से ही तालाब भरती है समुद्र बनता है नदियां बनती है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा प्रार्थना कर्तन करूंगा यादव के नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को संभाला है बिहार को अपना परिवार समझा है मैंने समझता हूँ 2005 के पहले जितनी भी 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए भर नहीं लगता था साथियों लेकिन आज 5 से 6 घंटा में बिहार के किसी कोना से राजधानी तक पहुँच सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वो राजद में थे और मैं राजद में नहीं हूँ। मैंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया है उन्हीं की प्रेरणा से किया है उन्हीं के निर्देशों से किया है। अब बोलने का ज्यादा समय नहीं है मुझे 2 मिनट का समय मिला है इसी में मैं अपनी बात संक्षेप में खत्म करना चाहता हूँ। ये राष्ट्रीय जनता दल से उनका सैद्धांतिक मतभेद चल रहा था। सैद्धांतिक मतभेद क्या था वो समाजवाद के सिपाही थे वो परिवारवाद पूंजीवाद और अपराध के खिलाफ थे। पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय जनता दल में अपराधी छवि के लोगों को घुसाने का प्रयत्न किया जा रहा था पिछले दरवाजे से। इसका उन्होंने एम्स पटना में कोरोना से ग्रसित होने के बावजूद विरोध किया लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों ने उनकी यह अंतिम मांग भी नहीं मानी और उन लोगों ने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को पार्टी में अंतर्गत शामिल कराया। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को अपने संस्थापक सदस्य और उपाध्यक्ष रघुवंश बाबू की अंतिम मांग को मानना चाहिए था लेकिन वो लोग पता नहीं किस कारण से लोग कहते हैं कि पैसे के कारण कुछ लोग कुछ अन्य कारण बताते हैं। धरती जगदीश बाबू का धरती मदन बाबू का धरती मुंशी लाल जी का धरती तमाम हमारे मदन झा जी का धरती इस धरती पर मैं जो समाजवाद के नेता जो हमारे पूर्वज ने जो जो यहाँ हुआ था हमसे प्रतिदिन ने मात्र 10 साल में 44 सड़क का निर्माण कराया और मैंने 338 सड़क की स्वीकृति कराया। जब आप गणना करेंगे तो देखेंगे 3-5 वर्षों में 75 गुना ज्यादा काम हुआ। आप सोच सकते हैं छोटा सा मैं धाम बताना चाहता हूँ चंद्र की किसी का धाम नहीं गया। मैंने ही प्रौद्योगिक केंद्र बनाया और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ही वहाँ बुनियादी केंद्र का निर्माण कराया। जो हमारे वृद्ध हो जाते हैं जो असहाय हो जाते हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं होता है उनके लिए भी मैंने सेवा करने के लिए बुनियादी केंद्र का निर्माण मानव में करवाया है। आपको मैं ऐसे काम किया है जो आप सोच नहीं सकते थे। मैं बिजली के सुधार में 4-4 पावर सब स्टेशन बनाया बताई में पावर सब स्टेशन बनाया और बनो के पीछे देखिए मना में पावर सब स्टेशन बनाया और डी कुचौली में पावर सब स्टेशन बनाया और हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्तन लोग के द्वारा करौती में पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू किया है। इस तरह से मैं बिजली के सुधार में जो क्रांति आई है वो उससे पहले सोच नहीं सकते थे। मैंने जो यहाँ तक जो काम किया है कृषि फीरन के माध्यम से आपके खेत में के बिजली पहुँचाया है जो पहले 100 रुपया में 150 रुपया में डीजल पर सिंचाई जो करते थे पटवन करते थे मात्र 105 रुपया में बिजली पर पटवन कर रहे हैं। इस तरह से बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आगे भी जब मौका दीजिएगा तो आपके खेत तक के पानी पहुँचाएंगे ये भी उनका संकल्प है। इस तरह से काम हुआ चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बगल में आपका चमड़ा रहा है इसी चमड़ा रहा है मैं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखे दिया है और आज हमारा मन के तैयार है। आप देखिए हमने समाज के सब तबके के लिए काम किया है चाहे समाज के कोई लोग हो मैं हर वर्ग के लिए काम किया है। समाज हमारा नेता है मूलभूत होता है
वह कौन कौन सा काम किए थे। मेरा काम का समीक्षा करेगा। मैंने 5 वर्ष का प्रतिवेदन दिया है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां माननीय नीतीश कुमार जी के विकास को मैंने वहां तक पहुंचाया नहीं है। इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद करने आया हूं। आपका सहयोग चाहिए, आशीर्वाद क्या चाहिए कि मेरा जो छूटा हुआ जो सपना है, हमारे जो पूर्वज सपना देखा था, जो महार की जो आजादी की लड़ाई में जो अहम भूमिका निभाया, जो बढ़ चढ़ के उन्होंने जो काम किया और उस सपना को उन्होंने देखा था महार को विकसित बनाने का, महार को विकास करने का, जो सपना जो छोटा है, चाहे रघुवंश बाबू का सपना हो, चाहे मुंशी लाल जी का सपना हो, चाहे राम प्रसाद बाबू का सपना हो, चाहे जो भी सपना है, मैं सपना को मैं पूरा करने का मैं वचन लेता हूँ और संकल्पित हूँ। आपके खिदमत में, आपके खिदमत में तैयार हूँ आपके। और मैं आपसे कहने आया हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे जो हमारे नेता हैं और जो पहले बोल के गए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रोहित जी या जिला अध्यक्षपुर हमारे पार्टी में आए हैं भाई पंछी लालरा जी, उन्होंने कहा है देखिए कि कौन सा क्या हमारा। और मैं आप सोच नहीं सकते थे कि आप ऐसे शरीर का मैंने स्वीकृति कराया जो जिद्द सिंह अवस्था में था, जो पूर्व के मुखिया जी ने बनाया हो, चाहे पूर्व के जिला परिषद जी ने बनाया हो, चाहे पूर्व के प्रतिनिधि विधायक ने बनाया हो, और चाहे जो हमारा ऐसा टोला कभी मैंने चयन किया जहां आप सोच नहीं सकते थे हमारे बहू बेटी कभी 4 चक्का से उस टोला में गई नहीं होगी, ऐसे टोला का मैंने चयन किया जहां किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं थी, उस टोला को सड़क निर्माण करने के लिए मैं मानता हूं कि 30 लाख 40 लाख रुपया लगता है, लेकिन उस टोला को जो हम लोग भूमि लेते हैं, जो अधिक पर भूमि जो जमीन लेकर सड़क का निर्माण करते हैं, उस पर 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया लगता है, ऐसे टोला का भी मैंने सड़क निर्माण कराने का उस टोला को चयन किया है। ऐसे टोला में गंदाहा में 73 सड़क जो बन रहा है पूर्ण भी हुआ है, और महनार में तो शुरू हुआ है और 70 सड़क